अब हम बनाने जा रहे हैं भेज थेंथू। ये एक तिब्बतियन रेसिपी है। देखिए, मैंने कढ़ाई गर्म कर ली है और उसमें 2 चम्मच तेल दे दिए। तेल गर्म हो गया है, अब इसमें 2 चम्मच के करीब लहसुन क्रश किया हो या चॉप किया हो डाल दीजिए। लहसुन को ज़्यादा लाल तक भूनने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा हल्का सा भूनने के बाद इसमें एक बड़ा सा प्याज चॉप किया गया, उसको दे के भुने। ये भी थोड़ा ज़्यादा देर तक भूनने की ज़रूरत नहीं है। अभी थोड़ा भून गया है तो हम इसमें ये 2 टमाटर चॉप किया गया उसको डाल देते हैं। अब इसमें नमक स्वाद अनुसार डालिए। अब इसको ढककर पका लीजिए। 10 मिनट के बाद हम इसको खोलेंगे। अब इसे खोल के चेक कर लेते हैं। टमाटर गल गया है तो हम इसमें 1/2 कप के करीब गाजर यानी कि कैरेट और ये बंद गोभी पत्ता गोभी 1 कप के करीब इसको डाल रहे हैं। वैसे इसमें आप रेडिश यानी मूली और पालक और ग्रीन ओनियन ये सब भी डाल सकते हैं। इसमें आप कैप्सिकम भी डाल सकते हैं। 5 मिनट इसको भूनने के बाद इसमें हम 2 ग्लास पानी दे रहे हैं। अब इसको हम उबलने के लिए छोड़ देंगे ढककर। जब तक सब्जी पक रहा है उसके बीच में हम लोग ये नूडल्स बना लेते हैं। ये सिंपल आटे की जो रोटी का डो होता है वही वाला है। मैं इस 3 लिए हूँ रोटी का डो। अब हम सिंपल रोटी बेल लेंगे। अब ये रोटी मैं बेल चुकी हूँ। जैसे रोटी होता है सिंपल वैसे ही होगा। अब इसको हम ऐसे लंबे लंबे स्टिक्स में काट लेंगे। ऐसे ही बाकी 2 डो भी हम रोटी में बेल कर ऐसे काट लेंगे। अब जब रोटी बेल के हम लोग ऐसे कट लगाएंगे फिर इसमें थोड़ा सा आटा स्प्रिंकल करके उसको ऐसे मिला लीजिए। आइए अब हम अपना सब्जी देख लेते हैं। ये बिल्कुल पक चुका है। अब इसमें चिल्ली पाउडर आप टेस्ट के अकॉर्डिंग दीजिए और ये थोड़ा सा चिल्ली फ्लेक्स इसको डालकर मिला दीजिए। अब इसमें हम जो रोटी बना के रखे थे उसको डाल दीजिए। इस वक्त आप फ्लेम को हाई में रखिए। अब इसको फिर से ढककर 5 मिनट के लिए
उबलने के लिए छोड़ दीजिए। अब हम इसे खोल के चेक कर लेते हैं। गैस को बंद कर लीजिए। अब इसमें थोड़ा सा चिली सॉस और थोड़ा सा सोया सॉस डालकर मिला लीजिए। आप इसको मैदे की डो से भी बना सकते हैं, पर मैं आटे के डो से बनाई हूँ, बिल्कुल हेल्दी, और 2 स्पून तेल में बनाई हूँ, इसलिए बिल्कुल हेल्दी फूड है ये। अपने आप में ही एक पूरी मील हो है। देखिए ये बन गया आपका भेज थेंथुक।